क्यों बार बार तुम इसको तंग कर रही हो? सोच नहीं रही हो कि इसके कंधे के ऊपर कितना भार है, घर की जिम्मेदारी है? वहाँ तुमको पसंद नहीं है तो क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेती? तुम क्यों छोड़ के चले गए? एक बार नाराज से कम से कम मना लेते। अब मैं वापस जाऊंगा, अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा और उसको घर लाऊंगा, एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। भाई पत्नी भी छोड़ चली गई, होटल भी नहीं चल रहा है, सोच रहा होटल बेच दूँ। ठीक तो है, एक काम करो, मेरे पास एक वीजा है सऊदीया का, वहाँ चले जाओ, कुछ मोटा पैसा कमा लो, और कुछ मोटा पैसा कमा के चले आओ, यहाँ पे कुछ धंधा कर दो। ठीक है भाई, सही पड़ेगा ये जो। हाँ वहाँ दूर चला जाऊँगा, उसकी याद भी कम आएगी। ठीक कह रहे हो यार। बाजार से आ रहा हूँ, दो दिन से दूध बोले थे लाने के लिए, वो लोग बहुत रो रहे हैं। अरे यार मैं तो आज भूल ही गया दूध लाना, मुझे याद ही नहीं रहा। चलो मैं कल लेके आता हूँ पक्का, कल बाजार जाऊँगा तो ले आऊँगा। ठीक है, ठीक है। जनाब होटल पे लोगों को खाना खिलाने जाते हैं या गुम भी खिलाते हैं? टेंशन ना करो, ऊपर वाले या जो होगा दिखा लेंगे कल दीदी को। भैया बाबू का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, सारा दिन घूमता रहता है लकेरे की तरह। चलो मैं देखता हूँ। क्यों बार बार तुम इसको तंग कर रही हो? समझ नहीं रही हो इसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है? तुम्हारे पापा एक पैसा कमा नहीं रहे हैं, इसको कहाँ से ये खर्च उठाएगा? इसका अपना खुद परिवार है, अपना परिवार चला रहा है, घर का खर्च चला रहा है, बोझ बस ये कुछ बोल नहीं रहा है। तुम इसके ऊपर क्यों बोझ बनना चाह रही हो? जब वहाँ तुमको पसंद नहीं है तो क्यों नहीं तुम दूसरी शादी कर लेती? एक लड़का है, उसके पास एक बच्चा है, वो शादी करने के लिए तैयार है। मैं उसका फोटो मंगा देती हूँ और तुम फोटो देख लो, वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी निभाएगा। क्या बात है, फोन ही नहीं लग रहा है 4 महीने से। मिटाने के लिए तुम हो ना, पूजा तो बहुत जिद्दी हो गई हो। छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, छोटी मोटी बातें को कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तुम क्यों छोड़ के चले गए? एक बार नाराज से कम मना लेते हैं। राहुल तुम कहाँ हो, चले आते एक बार। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर यहाँ पे कितना परेशान हूँ, कम से कम एक बार चले आते, मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। ऐसे झगड़े होते रहते हैं, मैं नाराज थी, कम से कम एक बार तुम मनाने चले आते। ये दुख हम मुझसे झगड़ा नहीं जा रहा है, तुम मुझसे इतने नाराज़ हो कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए। एक बार
चले आते हैं। तुम अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखे हो। प्लीज राहुल एक बार चले आओ। अब मुझे दूसरे से बोझ नहीं रहना है राहुल। लोग मुझे दूसरी शादी करने के लिए कह रही हैं, लेकिन बस मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। प्लीज राहुल आ जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ? ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं होटल भी बेच दिया, बीवी को भी छोड़ दिया। बीवी बच्चे कहाँ होंगे, कैसे होंगे, बच्चों का दूध कैसे आता होगा, कौन को देख रहा होगा। एक छोटी सी गलती थी, चाहते तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते। मुझे अब घर जाना चाहिए, उनसे माफी मांगना चाहिए, उनको घर लेके आना चाहिए। हाँ, मैं वापस जाऊंगा, अपनी पत्नी से माफी मांगूंगा और उसको घर लाऊंगा, एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मम्मी मम्मी, ये देखो कौन आया है। आ रही हूँ। अरे बेटे तू। नमस्ते। नमस्ते बेटा। और मम्मा कैसे हो? मम्मी ये देखो मेरे परमेश्वर आ गए। अब मुझे किसी दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं है। आज तक जो आपने मेरे लिए किया, इसके लिए